निम्रा, मैं तो दाद देती हूँ तुम्हारी हिम्मत की। सीरियसली, तुम्हारी जगह मैं होती ना, अंगूठी उतारती और मुंह पे मारती उसके। अभी से तुम्हारा ये हाल कर रहा है, पता नहीं शादी के बाद तो क्या होगा। कैद करके रखेगा और क्या, बहुत कंजर्वेटिव है। निम्रा, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। और मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि तुम अब जाके ये सब बातें बता रही हो। हम सोचते थे कि वाह, निम्रा इज सो लकी। सारी बातों को कवर किया मैंने, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि हमारी कोई आदतें नहीं मिलती हैं, और फूफो अपनी इजाजत के बगैर उनको स्माइल तक नहीं करने देती हैं। तो फिर अब क्या करोगी? पता नहीं, मेरा तो दिमाग सोच सोच कर फट जाएगा। एक्चुअली हमारी जो फैमिली है ना, थोड़ी सी सोच में बैकवर्ड है। घर से निकलते तो अम्मी की नज़रें साथ साथ होती हैं कि निम्रा दुपट्टा ओढ़ो, आंखों में काजल तो नहीं लगाया, लिपस्टिक तो नहीं लगाई। मैं क्या बताऊँ, मैं जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है ना, तुम लोगों से दोस्ती हुई है, तब से मुझे ज़्यादा एहसास होने लगा है कि मैं किस कैद में रहती हूँ। इतने फ्री होकर तुम लोग अपने मंगेतरों से बात करते हो, कज़न से बात करते हो, मुझे तो घुटन महसूस होती है। मैं अदनान से बात तक नहीं कर सकती हूँ, फ्री होना तो दूर की बात। और फूफो, फूफो का घर इससे भी ज़्यादा सख्त है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, आज मैम सामा का ऑफ है, तो मेरे से घर चलो। मैं नहीं जा सकती। निम्रा, अभी 3 पीरियड्स फ्री हैं, तुम्हारे घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। रिमेम्बर हम लास्ट टाइम भी गए थे, ट्रस्ट मी, चलो। बात वो नहीं है, अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। या अल्लाह निम्रा, इसमें धोखे की क्या बात है? देखो आई एम योर फ्रेंड, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स के घर जाते हैं। अच्छा तुम जब मुझे अपने घर बुलाओगी मैं आ जाऊंगी, ओके? हाँ पर हाथ मूड नहीं है। नूरी कहाँ रह गई है? नूरी कहाँ होगी, कैंटीन में उसकी जगह है। अरे हाँ, आज उससे ट्रीट लेते हैं, बताए थे उसकी सास ने 20,000 रुपीज दिए हैं। 20,000? किस खुशी में? यार वो उसको कुछ कपड़े बनवाने थे, वेदर चेंज हो रहा है यू नो, तो सीजन्स ग्रीटिंग्स। अरे हाँ, तुम्हें क्या ग्रीटिंग्स मिली? क्या हुआ निम्रा? अरे क्या हुआ? अच्छा चलो, वो जो पार्क के पास शॉप है ना फोटोकॉपी वाली, मुझे वहां काम। चलो चलो, कम ऑन चलो।